Multan Sultans, I'm grateful to all of you for coming here. हम आपकी शुक्रगुजार हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम आपसे बात कर सकें, गुफ्तगू कर सकें. मेरा नाम हैदर अजहर है जी, आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ द फ्रेंचाइज. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाह रहा था कि आज जो जो हमारे प्लेयर्स हाजिर हैं और जो जो इधर हैं उनका क्या तारुफ है. ऑब्वियसली यू नो ऑल द प्लेयर्स, लेकिन इन एडिशन टू द प्लेयर्स हमारे साथ यहाँ पर ऑफ कोर्स हमारे हेड कोच एंडी फ्लावर भी मौजूद हैं. उनके साथ साथ हमारे असिस्टेंट कोच एंड स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद भी मौजूद हैं. और हमारे पास हमारे टीम के यहाँ पर एनालिस्ट भी मौजूद हैं, पैट्रिक नून एंड वेयर इज तला. तला इज इन हेयर बट तला आई थिंक इज सेटिंग अप द सिस्टम देयर. तो यहाँ बड़े सिंपल तरीके से सर आपके सवालात, ऑब्वियसली आप डायरेक्ट प्लेयर्स से बात कर लें. थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देता चलूँ अभी तक हमारे प्लेयर्स के अराइवल्स का, क्योंकि आई नो वो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से आ रहा है. हमारे फॉरेन प्लेयर्स में एज यू ऑलरेडी नो रवि बोपारा इज ऑलरेडी हेयर. इन एडिशन टू रवि, राइली रूसो हैज़ ऑलरेडी लैंडेड, लेकिन वो आज सुबह सुबह लैंड किए तो हमने उन्हें इस वक्त रेस्ट करने के लिए का एडवाइस किया. इमरान ताहिर आज रात को एक्सपेक्टेड हैं अराइवल उनका. फिर उसके बाद जेम्स वेंस 18 तारीख को, और 19 तारीख को मोइन अली एक्सपेक्टेड हैं हमें ज्वाइन करने के लिए. जहाँ तक हमारे सीनियर प्लेयर्स में अभी इस वक्त शाहिद खान आफरीदी साहब, एज़ यू ऑल नो उनके घर में बर्थ हुई है, तो हमारी तरफ से बहुत उन्हें दुआएं और मुबारकबाद. वो हमें इंशाल्लाह ताला कल ज्वाइन करेंगे. और सुहेल तनवीर साहब एक फैमिली कमिटमेंट में ऑक्यूपाइड थे, ही विल बी जॉइनिंग अस फॉर द ट्रेनिंग सेशन. ये सिर्फ आपको मैं ब्रीफ इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि आई नो ये कुछ क्वेरीज हैं आप सबकी. बाकी ऑब्वियसली द फ्लोर इज़ योर्स. वन बाय वन करके प्लीज़ रेज योर हैंड. जो आपने सवाल पूछना है, जिस प्लेयर से पूछना है, इनके पास माइक्स हैं. प्लीज़ फील फ्री टू प्रोसीड एंड वी वुड अप्रिशिएट इफ द क्वेश्चंस आर मोस्टली ऑन द PSL. थैंक यू सो मच. प्लीज़. यस सर. शान, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैप्टेंसी मिली है, कितना आप इसके लिए कंफर्टेबल हो इस PSL 5 के लिए, क्योंकि मेगा इवेंट है और उसमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, कैप्टन्स भी होंगे, और उसमें आपको अपना कितना फ्लरिश करने का मौका मिलेगा इस मौके पे? सर, आई थिंक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है फ्रेंचाइज को लीड करना. और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात की, तो आई थिंक ये जो सीज़न था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था. साउथ पंजाब का मुझे कप्तान बनाया गया था, उसमें मुझे 4 डे की भी और T20 की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी. तो वो जो T20 कप खेला था फैसलाबाद में एज ए कैप्टन, उसमें काफ़ी कुछ सीखा था. अब इधर आई थिंक जितने आपके पास सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जितने एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, हमारे पास वो प्लेयर्स मौजूद हैं ड्रेसिंग रूम में जो कैप्टन्स रहे हैं, हमारे पास हमारे स्टाफ में, मैनेजमेंट में वो लोग मौजूद हैं जो कैप्टन्स रहे हैं. तो इससे कोई एडिड प्रेशर नहीं आता, बल्कि एक हेल्पिंग हैंड मिलता है कि आपको, आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने उस सिचुएशन को पहले एक्सपीरियंस किया होता है और आपको वो उस चीज़ में मदद करते हैं. तो आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है. जी जाज. जुनेद, आपसे सवाल है. आप वर्ल्ड कप 2019 में जब सिलेक्ट नहीं हुए थे तो काफ़ी नाराज़ थे. इस सुपर लीग को आप पाकिस्तानी टीम में कम बैक करने के लिए, और फिर ऑस्ट्रेलिया में नवंबर में वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है, जुनेद खान इस सुपर लीग को कितना बड़ा चैलेंज अपने लिए ले रहे हैं, क्योंकि आपको जब भी ड्रॉप किया गया आप अच्छी परफॉर्मेंस से वापस आपने पाकिस्तानी टीम में कम बैक किया? आई थिंक जिस तरीके से आपने वर्ल्ड कप की बात की तो वो पास्ट था, और मेरे ख्याल में जो कहते हैं ना कि जो गुजर गया जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. सो मे बी उसमें मेरी कोई अच्छाई होगी या कुछ इस तरह और होगा. और जिस तरीके से आपने आगे ऑस्ट्रेलिया की बात की और PSL की, सो अभी पूरा फोकस जो है वो इसी पे है. और अभी जितनी भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ ना, कोशिश करता हूँ कि इंजॉय कर लेता हूँ. और जब आप इंजॉय कर लेते हो तो आप परफॉर्म भी करते हो, और आपका जो नेचर वगैरह जो है वो भी अच्छा गुजरते हैं दिन वगैरह. सो मैं भी कोशिश यही करता हूँ, और बिलीव जो है वो अल्लाह पे है हमेशा. सो मेहनत करता हूँ और मेहनत का सिला जो है वो मिलता है. जी सर. मुश्ताक भाई, मेरा आपसे सवाल है, किस तरह देखते हैं पूरा PSL का पाकिस्तान में होना, ये कितना बड़ा एक ऑनर है पूरे पाकिस्तान के लिए भी और आपके लिए भी, क्या आप अपने होम क्राउड के सामने खेलेंगे? और पिछले साल मुल्तान सुल्तान की टीम ज़्यादा इतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, इस दफ़ा क्या हाँ देखते हैं उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो ये एज ए पाकिस्तानी बड़ी खुशी की बात है कि पूरा PSL वापस आ गया.
इससे आपने देखा है जो अभी जो इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं हमारे प्लेयर्स को इससे कितनी मदद मिली है, स्पेशली यंगस्टर्स प्लेयर, यंग प्लेयरों को जब आप होम क्राउड के सामने खिलाते हैं, हीरोज हमेशा आपका अपना क्राउड बनाता होता है, तो ये एक कॉन्फिडेंस हमारे यंगस्टर्स को मिलेगा। उसके अलावा पाकिस्तानी आवाम को अच्छे क्रिकेटर्स देखने के मिलेंगे, हमारे जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो आके ग्राउंडों में मैच देखेंगे, बड़ा फ़र्क पड़ेगा इससे, हमारी क्रिकेट इंशाल्लाह इंप्रूव होगी। आप देखें जितने भी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है उनकी टीमें कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही हैं, आप विद इन 2 to 3 years इंशाल्लाह देखें, अल्लाह खैरिये से रखे, तो हमारे कहाँ से हमें क्रिकेटर्स मिलते। और बाकी मेरा अपना जो मुल्तान सुल्तान का है, हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे पास ऐसे स्किलफुल क्रिकेटर हों जो मैच विनर हों। आपने देखा होगा कि हमने 3 leg spinners को पकड़ा है, दे आर मैच विनर्स। हमने स्ट्राइकर्स को पकड़ा है, इसमें स्किल, जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, दे ऑल स्किलफुल क्रिकेटर्स। सो हम पूरा फोकस करेंगे कि अपने जो मुल्तान सुल्तान को जो अपना एक्सपीरियंस पास कर सकें। और सबसे बड़ी बात जो है, इंपॉर्टेंट बात है, जो अली तरीन और आलमगीर तरीन साहब का जो विजन है वो ये है कि नॉट ओनली विनिंग अ टूर्नामेंट, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिवेलप यंग प्लेयर्स फॉर साउथ पंजाब और पूरे पाकिस्तान से। ये एक बड़ा अच्छा विजन है जिसको एंडी ने भी पसंद किया है और एंडी को ये बहुत अच्छा लगा था और फिर मेरे साथ इन्होंने शेयर किया, तो हमें भी ये अच्छा लगा है कि PSL के साथ साथ आप यंगस्टर्स को भी ट्रेन कर सकते हैं, ताकि ये PSL की जो फ्रेंचाइज हैं यहाँ से हमें कोई पाकिस्तान के लिए नए क्रिकेटर्स मिलते रहें। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एज ए पाकिस्तानी होने के नाते कि इंशाल्लाह ताला ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए, पूरी आवाम के लिए खुशियाँ भी लाएगा और हमारी क्रिकेट को भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। Andy, what are your thoughts to working with Multan Sultans? Well, I'm very proud to be here in Pakistan, actually. I first toured in Pakistan in the 90s. I toured here a number of times. I've got some really good friends in Pakistan, not Mushi, of course, but I've made some really good friendships with Pakistani players that I've played against and then coached with. It's a proud moment for me to come here. It's a proud moment to represent the South Punjab through Multan Sultans. It's very nice to meet some of these guys, some of the young up-and-coming guys, and then some of the older men. It's going to be good to be working with this range of players. I think we've got a lot of talent in this squad. It's going to be good working with a young, motivated captain. And we've got some motivated owners. I know Mushi's just mentioned them. So it's a very exciting start. And I think Mushi's just talked about the balance between playing winning franchise cricket, which is important, but also developing players for the medium to long term, not only for the health of the Pakistan T20 league and franchise, but also for the growth of Pakistan cricket as a whole. So I'm very happy to be here. I'm very honored to be invited to be a part of it. And I'm looking forward to the next 5 weeks. Thank you. My question is from Ravi. International cricket is almost back to Pakistan, and for the very first time, the whole PSL is being played in Pakistan. What do you say about this? Actually, it's a great thing to have the PSL back here in Pakistan. I think we all enjoyed playing in Dubai, but I don't think it was the best thing for the PSL. PSL should be played in Pakistan, especially for the fans and the players to enjoy their cricket in their own home. So it's a great thing that the whole PSL is played back here. I'm certainly very excited to be a part of it and play every game here and see the atmosphere we're going to get here compared to anywhere else in the world. It's even yesterday we played a game, MCC Lahore, and the atmosphere was very loud and it was great to play. मेरा सवाल बिलावल भट्टी से है. बिलावल, लास्ट ईयर आपको एक दिन पहले टीम से ड्रॉप कर दिया गया. मैं टीम का नाम नहीं लूँगा, यकीनन बंदा बहुत डिसहार्ट होता है, तो वो जो अंदर का अग्रेशन है, अंदर का वो जो गुस्सा है, वो इस दफ़ा प्रूव करने का मौका मिला है. क्या समझते हैं, कितने डिसहार्ट हुए थे और अब कुछ करके दिखाने का क्या इरादा है? द
طب بھائی وہ ظاہر ہے وہ تو میرا ایک پاسٹ ہو گیا, میں اس کو نہیں دہراؤں گا. ظاہر ہے کوئی بھی پلیئر کسی بھی ایونٹ سے اسٹارٹ ہونے سے پہلے باہر ہوتا ہے, وہ ڈسارڈ ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کو میں بھول چکا ہوں. محنت کی ہے, ابھی ایک موقع ملا پرفارم کرنے کا, ایک پلیٹ فارم میرے سامنے ہے, محنت بہت کی ہوئی ہے. پہلے بھی جہاں پہ بھی کھیلتے ہیں محنت کے ساتھ کھیلتے ہیں, اس کا صلہ ملتا ہے. تو انشاءاللہ فوکس کیا ہوا پورا اس پی ایس ایل میں پرفارم کروں. عرفان آپ سے ہے, ابھی آپ کو ٹی ٹوینٹی آسٹریلیا کے خلاف موقع ملا, آگے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے, آپ کیا کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ایس ایل ہے فائیو جو پاکستان میں ہو رہی ہے, یہ آپ کی راہ ہموار کرے گی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بڑی خوشی والی بات ہے کہ پورے پی ایس ایل کے میچز پاکستان میں ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد میرے لیے میرا ہر ٹائم یہی فوکس ہوتا کہ اپنا کوئی بھی میچ کھیلوں تو اس میں پرفارمنس اچھی دوں. تو میرے لیے بہت بڑا چانس بھی ہے اور گول بھی ہے کہ میری پرفارمنس اس میں اچھی ہوگی. تو انشاءاللہ مین تو یہ ہوتا ہے آپ کا فوکس کہ آپ پرفارمنس اچھی کریں, پھر ورلڈ کپ ابھی کافی دور ہے, تو پی ایس ایل میں یہی ایم لے کے آیا ہوں کہ اچھی پرفارمنس کروں اور آگے پاکستان ٹیم میں جگہ بناؤں. جی سر, یہاں پہ جی سر, آپ وہ آپ کا بات مائک. عرفان میرا آپ سے کوشچن ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ 10-12 سال پہلے آپ کو بڑے مان سے لے کے آیا تھا, لیکن عموماً یہ دیکھا گیا کہ آپ انفٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ وجہ بتائیے گا کہ کیا آپ اپنے جسمانی طور پہ یا جو آپ کے ساتھ فیزیو ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہی نہیں دیکھ بھال کر پا رہے, ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ وجہ کیا ہے. دوسرا مشتاق صاحب میرا آپ سے کوشچن ہے, عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ہے یہ سرکس ہے, یہ کھیل نہیں ہے, تو اس کی بنیاد پر اگر آپ پاکستان ٹیم میں ٹیسٹ میں یا ون ڈے میں ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں یا کھلاڑی کو سلیکٹ کرتے ہیں, آپ کا تجربہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سر آپ سے پلیز تھوڑی سی, اف وی کین جسٹ کیپ اٹ ریلیونٹ ٹو دس, پاکستان ٹیم پر آپ کو پورا سال ملے گا بات کرنے کا. تھینک یو سر. سر پی ایس ایل کی آپ پریس کانفرنس سے اور آپ سے نہیں, جس طرح آپ نے سوال کیا پی سی بی تو شروع سے ہی میرے ساتھ ہے, ابھی بھی کافی سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ پی سی بی کے ہم جتنے بھی ٹورنامنٹ ہوتے ہیں میں سارے کہہ رہا ہوں. تو انفٹ ہونے کا میرا آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے 4 سال سے میں اپنی فٹنس پہ کافی میں نے ورک کیا ہے, اس کے بعد میں انفٹ نہیں ہوں. میں پیچھے 4 ڈے میچز بھی کھیلا ہوں, ابھی میں ریسنٹلی بی پی ایل کھیل کے آ رہا ہوں, اس میں بھی میری پرفارمنس اچھی رہی ہے. تو فوکس میرا زیادہ یہی ہوتا ہے اپنی فیلڈنگ اور فٹنس پہ, کیونکہ اگر میری فٹنس ہے تو میں کوئی بھی کرکٹ کھیل سکتا ہوں. تو زیادہ فوکس میرا یہی ہے اور زیادہ میں اپنی دھیان بھی اپنی فٹنس پہ دیتا ہوں. تو لمبی ہائٹ کی وجہ سے مجھے تھوڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن دوسروں سے زیادہ مجھے ایکسٹرا محنت کرنی ہوتی ہے, تو اس پہ زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے. مشی بھائی آپ وہ والا ایڈریس کرنا چاہیں گے جو کوئی دے دیتا ہوں؟ کوئی بات نہیں, خان صاحب بڑے اچھے ہمارے پرانے ساتھی ہیں, ان کا جواب دینا ضروری ہے. دیکھیں ہر 3 فارمیٹ ہیں, ٹیسٹ کرکٹ 50 اوورز اینڈ 20-20. ہر فارمیٹ کے پلیئر آپ دیکھیں اسپیشل پلیئر بنتے جا رہے ہیں. آپ نے ضروری نہیں کہ ٹارگیٹ کرنا ایک فارمیٹ کے لیے. 2020 کے جس طرح کرس گیل کو آپ دیکھ لیں, دوسرے کئی کرکٹرز میں انٹرنیشنلی نام لے سکتا ہوں کہ وہ 2020 کے پلیئر ہیں. پی ایس ایل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کے پلیئروں کو ٹیمپرامنٹ اچھا ملتا ہے, جہاں پہ مینٹل آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے. میں ایک پلیئر ہوں, مجھے ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے, مگر اس کے لیے مجھے ٹیمپرامنٹ کی ضرورت ہے, اور ٹیمپرامنٹ ہمیشہ ایسے کراؤڈ کے سامنے, اتنے پریشر میچوں کے سامنے جب آپ ایک ینگ لڑکا کھیل کے جاتا ہے, اس کے اوپر وہ پریشر ابزارو کرنے کی طاقت آ جاتی ہے, اس میں ٹیمپرامنٹ آ جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ جو فارمیٹ ہے یہ سرکس اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ پلیئروں کو ڈیولپمنٹ, مینٹلی ڈیولپمنٹ بڑی تگڑی ملتی ہے. انٹرنیشنل کرکٹرز کے ساتھ آپ کو ڈریس روم شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. اب دیکھیں نا کہ ہمارے روحیل نذیر ہے, یہ جب یہ 4-5 بڑے بڑے پلیئروں کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, تو ان کا کانفیڈنس لیول کہاں پہ پہنچے گا؟ تو آئی تھنک دس 2020 از اے گریٹ پلیٹ فارم فار آل دا ینگسٹرز, دے کین شیئر دا نالج ود انٹرنیشنل کرکٹرز, اینڈ بیسکس نیور چینج. اف یو ہیو ٹو بیکم اے گڈ کرکٹر یو ہیو ٹو پلے 4-ڈے کرکٹ ٹو میک یور ریپوٹیشنز اینڈ میک یور ٹیکنیک ویری ریپیٹیبل. دیکھیے میں ذرا تھوڑا سا یہاں پر ایک ہاؤس کیپنگ صرف اتنی بتا دوں کہ میں کوشش یہی کروں گا کہ آپ سے زیادہ جو اتنے کوشچنس ہو سکیں کرواؤں گا, تو پلیز جسٹ پیشنس, دیٹ از جسٹ ون ریکویسٹ فرام مائی اینڈ. اور پلیز کوشش یہ کیجیے گا کہ ایک ایک سوال ہو جائے تاکہ پھر ایٹ لیسٹ سب کی پارٹیسپیشن ہو جائے. جی وہاں پہ روہیل, آپ ابھی انڈر 19 ورلڈ کپ کھیل کے آئے ہیں, اب ملتان سلطان میں آپ کو موقع ملا کھیلنے کا, کتنے پر امید ہیں کہ اس لیگ میں سے پرفارمنس دکھا کر ٹی 20 میں انٹرنیشنل ٹیم میں کم بیک کریں گے, انٹرنیشنل ٹیم میں آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ورلڈ کپ کھیل کے آئے ہیں تو ایز اے پلیئر آپ ہر ٹورنامنٹ سے سیکھتے ہو, تو
वर्ल्ड कप से भी काफ़ी कुछ सीखा है इंटरनेशनली, और अब जैसे PSL में मुझे मुल्तान सुल्तान ने पिक किया है, तो इनमें काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसे हमारे कोचेज़ हैं मुश्ताक भाई, अज़र भाई, एंडी फ्लावर्स, तो इनसे काफ़ी कुछ सीखूंगा और अप्लाई करूंगा अपनी गेम में। जी सर, यहाँ पर आपका सवाल जी मुश्ताक साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि PSL पाकिस्तान में उन्हें जा रहा है, और दूसरा ये है कि आप मुल्तान सुल्तान जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आपकी कैसी तैयारी है, और क्या अपने आप को आप चैम्पियन समझ रहे हैं? चैम्पियन तो ये तो अल्लाह को पता है कि फ़ाइनल वाला दिन कौन होगा, बट हमारी पूरी तैयारी कोशिश कर रहे हैं हम, जो क्योंकि एंडी के साथ मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, बड़ा प्रोफेशनल कोच है ये, बड़ा सेटअप इसका एंडी, इसकी प्रोफेशनलिज्म बहुत तगड़ी है। तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान की सबसे बड़ी जो एंडी को और हमें पसंद आई ये चीज़ मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूँ, ये जो इनका फोकस है विनिंग अ टूर्नामेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे एंडी ने पहले भी बताया, मैंने भी बताया, हम सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर्स, लॉन्ग टर्म्स की जो प्लानिंग है, कि आप यंगस्टर्स, मैं आपको बता नहीं सकता, अभी तीन लड़के आप देखिएगा प्रैक्टिस में, एक लड़का है चाइनामैन क्या उसका, वो बड़ा अच्छा स्पिनर बन सकता है, दो तीन फास्ट बॉलर हैं, तो आई थिंक ये टारगेट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और जनूबी पंजाब की क्रिकेट के लिए भी। तो आई थिंक हम तैयारी पूरी कोशिश करेंगे, हमें बिलीव करना पड़ेगा, याद रखिएगा कोई भी टूर्नामेंट किसी भी जिंदगी में किसी भी हिस्से में आप तब तक वो चीज़ को अचीव नहीं कर सकते जब तक आप बिलीव नहीं करते, एंड आई बिलीव फ्रॉम आर कैप्टन टू आर हेड कोच टू ऑल द पीपल, वी बिलीव दैट वी कैन विन दिस टूर्नामेंट, इफ़ योर बिलीव इज़ देयर एटलीस्ट यू कैन इफ यू हैव यू डोंट हैव नो रिग्रेट्स आफ्टर दैट। यहाँ पे एक सवाल था, मेरा सवाल उस्मान भाई से, उस्मान आप बताइएगा कि कौमी टीम में आपको जो है वो शामिल किया गया लेकिन अभी तक आप जो है वो आपको एक चांस नहीं मिला, तो अभी आप मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे हैं, तो कितने पूरे उम्मीद हैं कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से परफॉर्मेंस दिखा के, वैसे भी मुशी भाई भी आपके साथ होंगे, तो कितनी हेल्प इनसे मिलेगी आपको, दूसरा मुल्तान सुल्तान में परफॉर्मेंस दिखा के आप वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया खेलने जाएंगे जिनकी तरफ से आप पहले खेलना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई थिंक आपने जैसे बोला है कि पाकिस्तान टीम में जब मैं था तो मुझे खेलने का मौका नहीं मिला, बट ये कि मुझे सीखने को काफ़ी चीज़ें मिली कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली जो मैं लास्ट मैच खेल रहा था उसमें बारिश होगी, तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अभी मुझे एक चांस मिला है मुल्तान सुल्तान से खेलने के लिए, और मुशी भाई ने जैसे मेरे साथ काम किए लास्ट टू मंथ से, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुशी भाई का जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया है मेरे एक्शन में मेरी बॉलिंग में, तो जैसे मुझे चांस मिलता है PSL में खेलने का तो इंशाल्लाह अप्रूव माई सेल्फ। कादिर, उस्मान भाई मेरा आपसे सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में आप खेल चुके थे और पाकिस्तान टीम में भी नाम आया, जिस तरह अरसलान ने कहा कि आपको चांस नहीं मिला और आपने कहा कि बारिश हो गई, तो ये बताएं कि कितना ज़रूरी होता है कि पाकिस्तान में ऐसी पिचेस तैयार की जाएं कि जिस जहां पर आपने वर्ल्ड कप T20 के लिए तैयारी करनी है PSL 5 के लिए, उसमें पिचेस का मैार कैसा होना चाहिए, और मुश्ताक भाई से भी यही सवाल है पिचेस कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि यहां पर जो चीफ सेलेक्टर हैं मिसबाउल हक, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए जो टीम तैयार करनी है वो PSL 5 से तैयार करनी है, तो यहाँ पर पिचेस स्लो होती हैं, वहाँ पर बाउंसी ट्रैक्स हैं, तो कैसे अपने बॉलर्स को तैयार करेंगे, बैट्समैन को तैयार करेंगे? मुशी भाई आप इस पे पहले स्टार्ट करें। आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। वर्ल्ड कप के लिए आप जब टीम तैयार करते हो तो आपको कंडीशन को सामने रख के करना पड़ता है, जो पिचे हैं शायद वो आप तैयारी जो हमें बाहर से अपना क्रिएटर बुलवाया भी है वो शायद अभी इतना उनके पास टाइम ना हो, क्योंकि मैचेस हैं PSL के, आपको थोड़ा सा हार्ड सर्फेस चाहिए होगा, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन टोटली डिफरेंट है, वहाँ पर बॉल ऊपर आता है, ऊपर आने के बजाय कि आपकी बैट्समैनों की टेक्निक एक्सपोज होती है, आपकी बॉलर्स की लाइन लेंथ की एक्सपोज होते हो, तो आई थिंक हमें कोशिश ये करनी चाहिए जैसे मिसबा ने भी कहा है कि हमें ऐसी पिचें ज़रूर बनानी चाहिए जो फ्लैट हों, जिसमें थोड़ा सा बाउंस हो, ताकि हमारे स्पिनर्स भी और हमारे फास्ट बॉलर और इक्वली हमारे बैट्समैन हमें एक्सपीरियंस हो जाए वर्ल्ड कप जाने से पहले पहले, ताकि हम यूटिलाइज़ कर सकें अपना ये PSL का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस टू विन द वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। उस्मान को, उस्मान कमेंट दे दें ऑन द पिचेस। आई थिंक मिसबा भाई जो हैं उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन किया कि PSL 5 से ही टीम बनेगी वर्ल्ड कप की, तो जो पिचेस की आपने बात की है पिचेस ऑलमोस्ट अच्छी बनती हैं पाकिस्तान में, और PSL के अंदर अभी पूरा जो PSL है वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया, तो आई थिंक जो पिचेस बनेंगी वो काफ़ी अच्छी बनेंगी और लड़के को अच्छा परफॉर्म करेंगे।
مشتاق بھائی آپ سے کوشچن ہے, آپ ملتان سلطان کا ایز اے بالنگ کوچ دیکھ رہے ہیں اور تین ٹاپ کوالٹی کے جو اسپنر ہیں وہ آپ نے پک کیے ہوئے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں پاکستانی بیٹنگس وکٹس پہ جو ہے وہ کتنی افیکٹو ہوگی اسپن بالنگ کو اور کتنی مدد ملے گی ملتان سلطان کو؟ دیکھیے جو مسٹری اسپنرز ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی پچز کے اوپر آپ کو میچ جتا سکتے ہیں, لیگ اسپن اور جس کا گوگلی اچھا ہوتا ہو, جس طرح عثمان قادر ہیں, عمران طاہر ہیں, شاہد افریدی ہیں, یہ تینوں ایسے پلیئر ہیں کسی وقت بھی میچ کا پاسا پلٹ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس مسٹری جو مسٹری کہتے ہیں اسی کو کہ آپ کو ایک دم گیم کو پرے کر دیتے ہیں, تو آئی تھنک یہ ٹارگیٹ بھی یہی ہے میچ ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے کہ آپ کے پاس جو فارنر کرکٹرز آتے ہیں جو انٹرنیشنل بیٹس مین ہوں گے ان کے سامنے جب اسپیشلی آپ لیگ اسپنرز کو لائیں گے تو پاکستان کے جو سوری جو ملتان سلطان کے ہمارے اسپنرز ہیں یہ ان کے پاس بہت چانس ہوگا کہ ہمیں وکٹیں ملائیں. یاد رکھیے گا کہ ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے یو اسٹل نیڈ ٹو گیٹ پیپل آؤٹ, اگر 20 اوور میں اگر آپ کو وکٹیں کنسسٹنٹلی ملتی جاتی ہیں تو آپ کے پاس بہت چانسز ہوتا ہے کہ آپ میچ جیت سکتے ہو, آپ ٹیم کو ہرا سکتے ہو, تو آئی تھنک یہ مسٹری اسپنر کا بہت رول آ گیا ہے ایون 50 اوورز میں بھی اور 20 میں بھی. Mushi always wants to play three leg spinners in every side. And I actually, thank you very much to Andy, you know, like he did agree with me and he got three leg spinner on his dressing room. جی سر آپ کا سوال. My question is for Ravi Bupara. You played cricket all around the world. How do you differentiate the standard of cricket in Pakistan Super League, either is bowling or batting? I think the chat around the world in PSL is it's one of the best bowling tournaments in the world. You know, you've got every team's got five good bowlers. Usually two or three of them bowl 140 kilometers an hour, and then you've obviously got a mystery spin in there as well. So I think compared to the rest of the tournaments, it's one of the strongest bowling tournaments in the world, which makes it a very difficult proposition for all the batsmen. Shan, آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر ہم دیکھیں آپ نے ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کی پرفارمنس خاصی بہتر ہے, آپ نے خود کو منوا بھی چکے ہیں, جو T20 فارمیٹ ہے عام طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کا جو پلینگ اسٹائل ہے وہ اس سے میچ نہیں کرتا, تو کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے اس فارمیٹ میں خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس کیپٹن بھی اور پھر ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا لازمی بات ہے, بڑی ٹیم آپ کے ساتھ ہے, بڑے نام ہے. دوسرا آئی وانٹ ٹو آسک اینڈی ہو از یور ٹرمپ کارڈ ان دیٹ دس ٹورنامنٹ اسپیشلی ان دیز آؤٹ آف دیز ینگ گائز. اوکے سر شان, فرسٹ وائی ڈونٹ یو ایڈریس یور ہاف آف دا کوسچن؟ سر اس میں کسی چیز کا وہ نہیں ہوتا, پریشر نہیں ہوتا, نہ کوئی پلیئر اپنے اوپر کوئی لیبل لگاتا ہے. آئی تھنک ٹیسٹ کرکٹ کیونکہ میں پاکستان ٹیم کے لیے کھیل رہا ہوں تو وہ سب سے زیادہ چیز سامنے پوری میڈیا میں دنیا کے سامنے. ڈومیسٹکلی آئی تھنک 2015 سے میری وائٹ بال کی جو کرکٹ ہے وہ کافی اس میں امپروومنٹ آئی ہے, ڈومیسٹک T20 میں پرفارمنسز آئی ہیں. لاسٹ ایئر PSL میں گیمز نہیں کھیلا تھا لیکن جو نمبرس تھے وہ ڈیسنٹ نمبرس تھے, تو آئی تھنک ایک پروگریشن ہے. میری کوشش ہوگی کہ جو لاسٹ ایئر تھا جو اس سے پہلے جو میری پرفارمنسز تھیں اس سے اب میں نے اپنا گیم ایک نوچ اور اوپر لے کر جانا ہے. جیسے ٹیسٹ کرکٹ میں اب بہتر ہوئی ہیں پرفارمنسز, اس طریقے سے میری کوشش ہونی ہے کہ جو میری ڈومیسٹک کی وائٹ بال فارم ہے وہ میں نے ان شاء اللہ PSL میں بھی لے کر آنی ہے. اینڈی یور ٹرمپ کارڈ آؤٹ آف دی ینگسٹرز. تھینک یو فار دا کوسچن. I will respectfully not pick out one or two players because I don't want to put them under extra pressure, but what I would say is that most successful sides have good balance, and I think in our squad we've got a nice balance between some very senior players with lots of experience and also some exciting youngsters. We've got some exciting young stroke players, got a couple here in the front of us. We've got some great experience that they can learn from. We've got an exciting young leg spinner. And I think our challenge, actually, and you know, I was meeting with Mushi and some of the other coaches this morning, our challenge is we've got a squad of 18 and trying to pare that down to 11. Because there will be some very good players, both young and old, that will be sitting out of that 11. And so that, the challenge of keeping those guys headed in the right direction and getting the most out of that 11, and then maybe being flexible through the tournament, depending on who we play against and on what surfaces we play,
I think that's a big challenge for us. Okay, but I think you guys should look forward to seeing some very exciting play. Obviously, we've got the experience of Shahid Afridi still around. I'm not sure how often we can keep him on the park, but we'll see. But we expect these senior players to be being really good role models for these youngsters to learn their stuff. Last two questions, sir, and then sir, you will have the last question. इस बार जो ज़्यादातर बॉलर्स हैं उन्होंने तो आपने किसी आप एक बैट्समैन को टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि आप एक किसी एक टीम से खेलने थोड़ी जा रहे हैं हर टीम में डिफरेंट बैट्समैन है जो भी सामने आता है जिससे आपका मैच होता है उससे पहले आप अपना प्लान करते हो तो जाहिर है हर टीम में 6-7 मेन बैट्समैन खेल रहे होते हैं तो आप किसी एक को टारगेट कर नहीं सकते तो हमारा फोकस मेरा जो फोकस है सब पे है जो भी जो जो सामने जिस वक्त जो बैट्समैन होगा उस हिसाब से हम अपनी बॉलिंग करते हैं जी सर आपका क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन शान से शान ये बताइएगा पीएसएल में तमाम टीमें ही अच्छी हैं जैसे कि लाहौर और कराची का मैच जिसका शायकीन को भी बेसब्री से इंतजार है और दोनों टीमों को भी और आप ऐसा कौन सी टीम समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान का कौन सी ऐसी टीम के साथ तगड़ा मैच होगा टीमें मेरे ख्याल से सारी बेहतर हैं लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखा जाए लाहौर कराची की तो एक राइवलरी रही है स्पोर्ट्स उसमें हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो ये है कि मुल्तान में हम वहाँ जाके 3 मैचेस खेलेंगे एज ए होम टीम तो जब आप कहीं एज ए होम टीम खेलते हैं तो आपको जो क्राउड की जो सपोर्ट होता है वो कुछ ज़्यादा होता है तो उधर जो भी हमारे 3 मैचेस हैं जिस ऑपोजिशन के साथ आई एम प्रिटी श्योर के वहाँ बहुत अच्छे और एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिलेंगे और बहुत खुशी है क्योंकि देखें कराची और लाहौर में क्रिकेट वापस आई हुई थी आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट मैचेस रावलपिंडी में हुए अब PSL भी रावलपिंडी में और PSL मुल्तान में जा रही है तो उम्मीद है कि ये एक स्टार्ट है जिसकी वजह से और ग्राउंड्स में पाकिस्तान के ये क्रिकेट जाएगी और आपको ज़रा और राइवलरीज देखने को मिलेंगी बिफोर वी एंड अ कपल ऑफ पीपल आई वुड वांट देम टू मेक अ स्टेटमेंट पैट्रिक इज आवर डेटा एनालिस्ट ही अलॉन्ग विद तला एजाज हु इज ऑल्सो द एनालिस्ट फॉर द पाकिस्तान टीम दे विल बी वर्किंग विद आवर डायरेक्टर स्ट्रैटेजी नेथन लीमन हु विल बी जॉइनिंग अस ऑन द 18th And they are, I mean, as all of you know, the owners want a very data-driven team with a lot of, you know, with a lot of input from these gentlemen with regards to preparation. So before we end today, Patrick, if you could just explain what your role is going to be and your feelings about being here at the PSL. Yeah, first of all, it's really exciting to be here. Obviously, we've got, as Haider just said, we've got owners who really buy into the idea of data analytics. We've got a coach in Andy who also is, you know, been at the forefront of that. I think with Nathan in his time with England, and yeah, my role is going to be alongside Tala to try and just give us an edge. So I'll be building data packs. I'll be using what CrickViz has, which is an unrivaled database of ball tracking data, ball by ball data, and putting that all together. And hopefully, we can have some success with it. Yeah, and इसके अलावा on a final note, इनमें से कुछ players आपको पता है बहुत young हैं एक player ऐसे हैं जिनका पहला PSL होगा wild card pick हुए थे diamond में Zeeshan कुछ अपने तासुरात please share करें and then we'll call it a day. Assalamualaikum. मुझे पहले तो खुशी ये हुई थी कि silver में सीधा मैं diamond में pick हुआ और मेरा पहला साल था PSL में यकीन तो था कि PSL खेलूंगा इस साल परफॉर्म किया हुआ था अच्छा लेकिन ये नहीं पता था कि डायमंड में पिक होऊंगा और अब इंशाल्लाह डायमंड वाली सोच रखूंगा परफॉर्म करूंगा और टीम को मैच जितवाऊंगा और इंशाल्लाह फाइनल में भी पहुंचेंगे और जीतेंगे भी इंशाल्लाह हमारे साथ जी एक और पाकिस्तान टीम में अभी रिसेंटली उन्हें कैप मिली है खुशदिल शाह वो भी साथ हैं खुशदिल लास्ट ईयर किसी PSL टीम में नहीं थे तो नाउ ही इज back and we're very very excited to have Khushdil in our team Khushdil kuch chand alfaz apne experience ke bare mein do series pakistan team ke sath bhi khela kafi confidence mujhe mila aur is dafa main mushib bhai azhar bhai jo hamare coaches hain unke sath bhi kafi mujhe confidence mil raha hai aur sath bhi kaam kar rahe hain mere sath to inshallah yakeen hai ke inshallah is dafa PSL match perform karun ठीक है जी थैंक यू सो मच जी आपके टाइम का थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस
ہماری اب ٹریننگ اسٹارٹ ہو رہی ہے سو وی ول گو ٹو دا گراؤنڈ